friends, subscribe and press the bell icon to never miss a video from two IITians. बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट के कॉन्सेप्ट वीडियो पाने के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें या फिर इस नंबर पर कॉल करें. अ कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर हैविंग 20 टर्न्स. तो जो कॉइल है अपनी, उसका रेडियस इस बार आपको दिया हुआ है, तो उससे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा. थोड़ा सा जगह बना लेते हैं. रेडियस दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर. And having 20 turns, rotates about its vertical diameter with an angular speed of 50 radian per second. Angular speed बोलो या velocity बोलो, चल जाएगा. Angular velocity बोलना ज्यादा अच्छा है. In a uniform horizontal magnetic field of 0.003 वेबर पर मीटर स्क्वायर. ठीक है भाई. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ये पूछा गया है आपसे. व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर अ कंप्लीट रोटेशन, यानी कि आई एवरेज पूछा गया है. ठीक है भाई. तो पहली बात तो डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं कि हो क्या रहा है, क्या हॉरिजॉन्टल है क्या वर्टिकल है. देखिए, कॉइल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर हैविंग 20 टर्न्स. तो मैं क्या कर रहा हूं कि एक ही टर्न लेकर आया हूं आपके लिए, इसी में 20 टर्न आपस में थोड़ी थोड़ी दूरी पे लपटे हुए. समझिए कि एक कॉइल कैसे बनती है, कि इसी में आप 20 टर्न वायर के लगा दें, तो ये मोटा भी तो है इतना, ठीक है ना, सोलेनोइड टाइप का बना ले रहा है. ठीक है. अब इट्स वर्टिकल डायमीटर, ये जो मैं लिए हूं, ये आई होप आपको दिख रहा होगा, काले रंग से मैंने पेंट किया है आपके लिए. तो ये डायमीटर है, ठीक है, वर्टिकल डायमीटर है, तो सीधा सीधा है. तो इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स वर्टिकल डायमीटर. तो ये जो कॉइल है, इसको मतलब सामने से ऐसे दिख रहा है, लेकिन अपनी फील्ड में ये इस तरह रखा है, और कॉइल जो है ये ऐसे अपने डायमीटर के अलोंग जो एक्सिस है उसके अलोंग रोटेट कर रहा है. इसको हटा देते हैं, मेरे पास सिर्फ दो हाथ हैं, तो ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है. डायमीटर ये है ना, ये था डायमीटर, तो इसके अबाउट ये ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है. तो उसकी एक फोटोग्राफ मैंने यहां पे बना दी. तो यहां पे ये कुछ इस तरह है और ऐसे ऐसे चलता रहेगा. तो ये फिक्स है एक तरीके से, ये वायर का करंट यहां से जाएगा और वापस आ जाएगा. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में ये रोटेट कर रहा है, तो इसमें कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, यहां से जाएगा और वापस आ जाएगा, ये सिचुएशन रहेगी. ठीक है. तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग अपनी पुरानी अप्रोच से ही करेंगे, क्योंकि सारी चीजें हम लोग को पता है. और ई जीरो क्या होता था, बैन ओमेगा. अब यहां पे प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं पता है, लेकिन रेडियस तो पता है. तो एरिया क्या हो जाएगा, ये 8 × 10⁻²² मीटर लिख सकते हैं इसको, पाई आर स्क्वायर. तो पाई आर की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, 8 × 10⁻²² का होल स्क्वायर. ठीक है ना. तो ये एक तरीके से 64 πx 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये आ गया अपना. तो थोड़ा प्रयास करके हम लोगों ने अपना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल लिया. ये सवाल पहले के सवाल से थोड़ा सा आसान है, थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि यहां वहां पे एरिया डायरेक्टली दिया था, लेकिन यहां थोड़ा मेहनत करके हमें एरिया मिल पा रहा है, −4 मीटर स्क्वायर. ठीक है भाई. अब बाउंड्रीज का दामन, इसको भी मैं लिख दे रहा हूं, बी को लिख दे रहा हूं 3 × 10⁻³, है ना, 1, 2, 3 इंटू ए, ये है 64 πx 10⁻⁴. एन कितना है, 20 है, और ओमेगा कितना है,
रेडियन पर सेकेंड। तो काफी चीजें हो गई हमारे पास मल्टीप्लाई करने के लिए, तो कर लो मल्टीप्लाई यार, अब क्या दिक्कत है। देखो 50 इंटू 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो ये दोनों मिलके इसे खा जाएंगे। अब बस ज्यादा काम बचा नहीं अपना, 3 में 64 का मल्टीप्लाई करना है, 3 चौको 12, 1 तीचंग 18, 19, 192 पाई इंटू 10 to the power minus 4। ठीक है भाई, 192 पाई इंटू 10 to the power minus 4। इसे थोड़ा सॉल्व किया जाए। अब पाई को लिया 3.14 और आ गया अपना 602.88। अरे यार यहां पे किया है, ठीक है, तो ये आ गया ऐसा। अभी भी अपना डेसिमल माइग्रेट करेगा कहां को, इधर। तो ये हो गया, और 10 to the power minus 4 है, तो अभी तो दो ही बार किया, तो उसके बाद एक बार और एक बार और, तो यानी कि हमें एक जीरो अपनी तरफ से यहां पे लाना पड़ेगा। तो बस पहुंच गए हम लोग 0.0। ये देखो लाल वाला जीरो ये है, डॉटेड वाला 0.602888। कुछ ज्यादा ही एक्यूरेट कर दिया है हम लोगों ने, ये वोल्ट आ गया, तो ये अब ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग एक और जीरो यहां पे लगा दे रहे हैं। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको कि मैं क्या कर रहा हूं, और ये भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो जो बुक में आंसर लिखा है वही लिख लेते हैं, 0.06 वोल्ट। सो दिस क्वेश्चन इज डन नाउ, हो गया अपना फाइनल आंसर। एक चीज रह गई थी बच्चों, इसमें पूछा गया था, मैं देखकर थोड़ा बता देता हूँ, बुक से ही देख लेता, इधर लिखा भी नहीं हुआ है, बुक से ही देख लेता हूँ। व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर वन कंप्लीट रोटेशन। देखिए वन कंप्लीट रोटेशन है यानी कि एक पूरा साइकिल है, मतलब कि करंट बढ़ा 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 बढ़ा, फिर घटा घटा घटते घटते नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया, फिर बढ़ा 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 बढ़ा, मतलब नेगेटिव में बढ़ा, फिर जीरो तक आ गया, ठीक है ना। तो ये वन कंप्लीट साइकिल है। तो अब यार देखो इसका अगर एवरेज लेते हैं तो ये वैल्यू ली गई, इसको ये वैल्यू कैंसिल कर देगी, ये वैल्यू ली गई, इसको ये वैल्यू कैंसिल कर देगी, तो सबका एवरेज अगर लेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। फॉर वन कंप्लीट साइकिल मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज जीरो। बस सेकंड पार्ट में यही बताना था, ये हम लोग मिस करे जा रहे थे, भूले जा रहे थे। सच बात ये है कि फर्स्ट पार्ट मैंने पिछले दिन किया था, ये मैं आज कर रहा हूं सुबह सुबह, और उस समय आवाज बहुत आ रही थी बैकग्राउंड से, कुछ कार्यक्रम हो रहा था धार्मिक टाइप का, इसलिए ठीक है। तो इसे भी आप कॉपी